सम्मान और उनके स्वाभिमान को लेकर सरकार निरंतर सजग है और इस दिशा में काम भी हो रहा है। निदेशक सूचना शिशिर ने कार्यशाला की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं ने इस कार्यशाला के जरिए अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, जिससे समाज को नई दिशा और नई ऊंचाई प्राप्त होगी। से मिशन शक्ति को लेकर के एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। हमारे साथ इस समय संजय प्रसाद जी हैं। सर, ये मिशन शक्ति जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, खासतौर से नारी की सुरक्षा, सम्मान और स्वाभिमान को लेकर के, आपके पास महत्वपूर्ण विभाग हैं, किस तरीके से चीजें आगे बढ़ रही हैं और आज जो हमारी कार्यशाला हुई उस पर बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं साधना प्लस चैनल को बधाई देना चाहता हूं कि एक जो प्रदेश सरकार के द्वारा मिशन शक्ति का जो चतुर्थ चरण जो चलाया जा रहा है पूरे प्रदेश भर में, जिसमें नारी की सुरक्षा और स्वावलंबन पर विशेष रूप से जो है ध्यान दिया जा रहा है, उसमें साधना प्लस ने आज अपनी ओर से ये अपनी पहल पे ये अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया, जहां महिलाओं को बुला करके और उनके विचार सुने और हमारे प्रोग्राम के बारे में जानकारी दी। आपके चैनल को मैं बधाई देना चाहता हूं। जहां तक देखिए, मुख्यमंत्री जी ने इस मिशन शक्ति को 2000 जब कैसे महिलाओं ने, चाहे हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हो, ANM हो, उन्होंने कैसे बढ़ चढ़ करके और अपने जो प्रदेश की जनता को सुरक्षित रखने के लिए जो काम किए, उसको देख करके उन्हें ये प्रेरणा मिली और उसके बाद ये मिशन शुरू हुआ। इसमें एक मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच है। ये सभी विभाग जो महिलाओं की कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े हुए हैं, उन सभी विभागों का एक अंतर विभागीय समन्वय करके, और गृह विभाग जो कि सुरक्षा के लिए जो नोडल विभाग है, हम लोग इसमें नोडल विभाग की भूमिका में हैं, और सभी विभागों को साथ लेकर के गांव-गांव जाके, देखिए यहाँ पे करीब 58,000 गांव हैं और 14,000 वार्ड हैं, करीब 75 जिले हैं, सभी इस पूरे प्रदेश की 25 करोड़ जनता तक पहुंचने का, और 25 करोड़ की आधी जनता जो है, जो हमारी मातृशक्ति है, जो बहनें हैं हमारी, उन तक पहुंचना है, उनकी सुरक्षा, स्वावलंबन, इन सब के बारे में उनको जो हम योजनाएं चला रहे हैं उनको बताना है। हर गांव में जैसे एक चौपाल आयोजित किया जा रहा है, जिसमें वहां पे महिला बीट कांस्टेबल है, ग्राम पंचायत अधिकारी है, पंचायत सेक्रेटरी है और ग्राम विकास अधिकारी है, लेखपाल, जितने भी हमारे ग्राम स्तर के जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, वो बैठ करके वहां हमारी जो बहनों के साथ बैठ करके वहां बातचीत करते हैं, उनको बताते हैं कि सरकार ने क्या क्या योजनाएं चला रखी हैं। बात करने के लिए तो जिस तरीके से महिला शक्ति को लेकर के वंदन अभिनंदन का दौर चल रहा है, उसी क्रम में सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। राजेश के साथ शेखर त्रिवेदी, साधना प्लस न्यूज, लखनऊ। हमारे साथ इस समय निदेशक सूचना शिशिर जी हैं। शिशिर जी, साधना प्लस ने आज महिला शक्ति का जो मिशन शक्ति अभियान चल रहा है सरकार की तरफ से, उसको लेकर के कार्यशाला करी है। कई संभ्रांत शहर की महिलाओं को, वर्किंग वुमेन्स को हमने इनवाइट किया। कैसा लगा ये कार्यशाला आपको और क्या कहेंगे? आपने जो ये आयोजन किया, जो कार्यशाला चलाई आप लोगों ने, महिलाओं को बुलाया, इसमें NGOs को बुलाया, मैं इस सारे कार्यक्रम के लिए आपको शुभकामनाएं भी दे रहा हूं। और कार्यक्रम आपका सफल हुआ ये भी मुझे जानकारी मिली है। और राज्य सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, कार्यक्रम है मिशन शक्ति, जिसमें नारी की सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन पे फोकस किया गया है। और जैसा कि प्रमुख सचिव साहब ने बताया भी कि ये सारे ग्राम पंचायतों में, सारे वार्ड्स में, स्कूल में, कॉलेजेस में, दुर्गा पूजा पंडाल्स में, त्योहार का सीजन है, सब जगह नारी सुरक्षा को लेकर पुलिस सरकार लगातार लगी हुई है, ऐसे लोगों पे, शोधों पे चिन्हित कर कार्रवाई कर रही है। दूसरी तरफ जो सरकार की योजनाएं हैं, महिलाओं के विकास की योजनाएं, उनके स्वावलंबन की योजनाएं, BC सखी हो, कन्या सुमंगला योजना हो,
सामूहिक विवाह योजना हो, पेंशन हो, सब पे सरकार काम कर रही है। और ग्राम पंचायतों में बीट सिपाही जो वहां एक लेडी है वो जाएगी, सबको जागरूक करेगी। के लिए तो जिस तरीके से सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को लेकर के साधना प्लस न्यूज चैनल ने इस कार्यशाला का आयोजन किया है, उसको सरकार की तरफ से भी प्रोत्साहन मिल रहा है, सरकार के अधिकारियों की तरफ से भी प्रोत्साहन मिल रहा है। कैमरा साथी राजेश के साथ शेखर त्रिवेदी, साधना प्लस न्यूज, लखनऊ। इशिता मैम को आपने पूरा अच्छा सा इंट्रोडक्शन कराया। इशिता मैम को भी मैं इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगी। इशिता अरोड़ा जी वैसे तो अरोड़ा सर की वाइफ है, लेकिन इनके बारे में मैं बताना चाहूंगी। ये खुद भी वर्किंग है, टीचर है, योगा सिखाती है और अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही है। सबसे पहले सवाल मैम आपसे मेरा है, महिला सशक्तिकरण को लेकर आप क्या कहेंगे? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। सर्वप्रथम मैं यहाँ पर मौजूद सभी नारी शक्ति को और टीवी के माध्यम से जो देख रही है सभी नारी शक्तियों को नमन करती हूँ। नवरात्र का समय है और सभी को मेरा नमन, और साथ ही जो बाकी पुरुष जन देख रहे हैं उनको भी मेरा नमन। नारी सशक्तिकरण को मैं इस रूप से देखती हूँ कि नारी का सशक्त होना बहुत जरूरी है। नारी लेकिन अधिकतर आजकल हम सशक्तिकरण को केवल करियर में सशक्तिकरण के रूप में देखते हैं कि मैं सुरक्षित हूँ, मैं वर्किंग हूँ, वही मेरा सशक्तिकरण है। लेकिन नारी इस तरीके से सशक्त नहीं है। नारी को मुझे लगता है कि सशक्त होने के लिए शरीर, मन और आत्मा तीनों से सशक्त करना होगा। और चूंकि मैं योग डिपार्टमेंट से जुड़ी हूँ, मेरा सब्जेक्ट योग है, तो मुझे लगता है कि योग एक बहुत अच्छा माध्यम प्रदान करता है हमको सशक्त बनाने में। जब हम अपनी सोल से मजबूत होते हैं, जब हमारी सोल पावर होती है, तो हम अपने आप को मेल और फीमेल के तौर पर नहीं देखते। तो हम अपने आप को जब फीमेल के तौर पर देखते ही नहीं, अपने आप को सोल के तौर पर देखते हैं, तो फिर वहां पर प्रश्न ही नहीं उठता कि हम शक्ति रूपी नहीं हैं। हम तो ऑलरेडी पावरफुल हैं ही, केवल हमें याद करने की जरूरत है कि हम पावरफुल हैं। जैसे कि हनुमान जी अपनी शक्ति भूल गए थे, वैसे ही आज के समय, क्योंकि हम लोग अपने आप को बॉडी से रिलेट करके देखते हैं, अपने आप को फीमेल समझते हैं, इस कारण अपने आप को कहीं ना कहीं कमजोर मानते हैं। तो जैसे हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई गई थी, वैसे ही कहीं ना कहीं मिशन शक्ति के माध्यम से नारी को भी उसकी शक्ति का एहसास दिलाया जा रहा है। मीता मैम आपसे मेरा एक और सवाल है। मैम थैंक यू, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। आपसे मेरा ये सवाल है कि अगर जो आप कार्य कर रहे हैं, जिस कार्य में आप लगे हैं, आपने एक बहुत ही अच्छा एक नया काम शुरू किया है जिसमें आप प्रकृति को लेकर चल रहे हैं। प्रकृति भी हमारे लिए कहीं ना कहीं, हमारा आज का टॉपिक महिला से रिलेटेड है, मिशन शक्ति को लेकर बात करें, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक आपका आपके काम से जुड़ा है, इसलिए इस पर मैं सवाल करना चाहूंगी। आप थोड़ा सा प्लीज बताइए, आपने बहुत बड़ा काम किया है। मैंने जब पीएचडी किया, अपना डन किया, तो इसके बाद फिर मेरे सामने ये विकल्प आया कि मैं कोई, क्योंकि मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप जो है अपना काम करो समाज, क्योंकि उसमें समाज के लिए ज्यादा करने के लिए। तो फिर मैं, क्योंकि मेरा विषय जो था एनवायरमेंट साइंस में ही मैंने पीएचडी किया, तो इसलिए हमने उस समय एक एनवायरमेंट एक बहुत बड़ा इशू बन करके सामने आ रहा था, बहुत उस पर चर्चा हो रही थी, लेकिन फील्ड में कुछ काम नहीं हो रहा था, फील्ड में फिजिकली कुछ काम नहीं हो रहा था, वो केवल एसी रूम्स में एक परिचर्चा के तौर पर ही बात है 1992-93 की। तो ये हुआ कि हम कोई ऐसा काम करें हमारे यहाँ कि जो ग्रास रूट लेवल तक लोग, अब तो एनवायरमेंट के बारे में लोग जागृत हों। उस समय था कि बस एक ये परिचर्चा हुई, पूरे वर्ष में एक गोष्ठी हो गई,
लेकिन आम जन उससे अपने को कोऑर्डिनेट नहीं करता था कि हमको एनवायरमेंट फ्रेंडली बनना है, एनवायरमेंट एक बहुत बड़ा इशू है, तो उसको समझ के और फिर हमने एक पर्यावरण चेतना नाम की जर्नल शुरू किया और उसको हमने हिंदी में शुरू किया, जिससे कि वो क्योंकि हमारा देश जैसा कि सभी जानते हैं बहुत बड़ा देश है और उसमें बहुत जो है इंग्लिश को जानने वाले बहुत कम लोग हैं, ज्यादातर हिंदी भाषी लोग हैं, तो हमारा ये प्रयास था कि ग्रास रूट लेवल तक लोग उसको जाने, उसकी एनवायरमेंट फ्रेंडली उसका क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसलिए हमने उसको हिंदी में किया उसको और जन जन तक उसको पहुंचाने की कोशिश की। वर्तमान उसका जो प्रसारण था हमने उसको और हमने उसका कैलकुलम ऐसा रखा कि उसमें सबके लिए कुछ रहे। नॉर्मली जो हमारी मैगजीन होती है चाहे कोई भी मैगजीन हो हमारी, उसमें होता है कि वो विशेष उसके लिए होता है, कोई बच्चों के लिए है तो कोई बड़ों के लिए है तो कोई मिडिल लेवल के है, कोई फार्मर्स के लिए, लेकिन हमने कहा कि एक ऐसी मैगजीन हो जिसमें हमारी मैगजीन में कुछ बच्चों के लिए भी हो, कुछ महिलाओं के लिए भी हो, कुछ और लोग उसके साथ अपने को कोऑर्डिनेट कर सकें और केवल वो बोरिंग बन करके ना रह जाए, तो तब जाकर के एनवायरमेंट की एक अवधारणा है एनवायरमेंट एजुकेशन। हमने सबसे पहले अपनी मैगजीन के माध्यम से कि एनवायरमेंट एजुकेशन कंपलसरी होनी चाहिए स्कूल्स में और उसके लिए लगातार हम लोगों ने लंबे समय तक अपनी मैगजीन में आर्टिकल्स निकाले और लंबे समय तक उसमें हम लोगों ने काम किया। उसके बाद फिर उसके पॉजिटिव रिजल्ट भी आए, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो करिकुलम है उसमें एनवायरमेंट एजुकेशन कंपलसरी है। उसके साथ ही हमने एजुकेशन भी बहुत जरूरी है, एजुकेशन पे भी तो एनवायरमेंट और एजुकेशन दोनों पर मैं पैरेलली काम कर रही हूँ। इस समय भी हमारा जो न्यू मिलेनियम स्कूल के नाम से और हमारी इस समय लखनऊ में चार ब्रांचेस चल रही हैं और जैसा कि महिला सम्मान, तो मैं कहूंगी कि हमारे देश में इस समय जो गवर्नमेंट है वो सबसे बड़ा उसका जो हमारे पास एग्जाम्पल है कि हमारी जो चाहे हमारी स्टेट की गवर्नमेंट हो चाहे हमारी सेंट्रल की गवर्नमेंट हो कि वो महिला सम्मान कि हमारी देश की राष्ट्रपति ही इस समय जो द्रौपदी मुर्मू जी हमारे देश की राष्ट्रपति जो प्रथम नागरिक है वो हमारी जो है महिला है। हमारे लखनऊ में पहले जो भूतपूर्व मेयर थी वो भी महिला थी और अभी वर्तमान में, तो इससे बड़ा मुझे नहीं लगता है कि महिला सम्मान और कोई भी कर सकता है और मैं चाहूंगी कि आगे जो भी लखनऊ की कमान है वो हमेशा महिलाओं के ही हाथ में रहे। हम लोगों को ऐसा काम करना है कि जैसा कि अर्चना जी ने कहा आप चली गई, उन्होंने जो एक बात कही वो बहुत इंपॉर्टेंट थी कि महिलाओं की सबसे बड़ी दुश्मन महिला ही है, दुश्मन कहिए या उनको सबसे बड़ा संघर्ष महिलाओं को ही महिला से करना पड़ता है, चाहे बच्ची एक जन्म लेती है तो माँ का उसके प्रति, अरे जो अब तो खैर पेरेंट्स के एटीट्यूड में काफी चेंज आया है, लेकिन पहले होता था कि जो पहले जो हम लोग थे उस टाइप पर भी जो है लड़के को यदि लड़का पढ़ने में अच्छा है तो आप उसको वैसी एजुकेशन दिलाएंगे, प्रोफेशनल एजुकेशन दिलाएंगे, लड़की की इंटर बी एड नीट के किसी तरह से या बहुत जोर मारा तो बी एड करा के उसकी शादी विवाह कर देंगे, तो बहुत उसके लिए प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में कि मेरी बच्ची डॉक्टर बने इंजीनियर बने यूपीएससी करे, ऐसा पेरेंट्स पढ़े लिखे पेरेंट्स की भी ऐसी ही सोच थी, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि पेरेंट्स की सोच में परिवर्तन आया है, यदि उनकी बच्ची पढ़ने में अच्छी है तो उसको वो बराबर का दर्जा देते हैं और बराबर उसकी एजुकेशन के लिए भी उतनी ही कोशिश करते हैं, उसके कैरियर के लिए भी उतनी ही कोशिश करते हैं। छोटी सी बातें, जब मेरी बेटी बाहर जा रही थी विदेश जा रही थी एलएलएम करने के लिए उसने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, तो एक बहुत कोई मतलब बड़ी घटिया बात कही किसी ने, तभी लोग जानते होंगे कि लंदन स्कूल ऑफ वर्ल्ड की प्रेस्टिजियस जो इंस्टीट्यूशन है उनमें से है, तो एक बहुत हमारे शुभ चिंतक ने कहा भाई इसमें थोड़ा पैसा और डाल के तो शादी कर देते। तो जहां पर मतलब अभी भी बहुत पढ़े लिखे लोगों की भी ऐसी मानसिकता है कि बेटी की एजुकेशन, मेरा बेटा भी ऑक्सफोर्ड से पोस्ट ग्रेजुएट है ब्रांडिंग में, तो बेटे के लिए किसी ने नहीं बोला लेकिन बेटी के लिए बोला इसमें थोड़ा सा और पैसा डाल के तो उतनी शादी हो जाती। तो सोच को बदलने की अभी भी बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे कि अर्चना जी ने कहा बहुत अच्छा बोला, उन्होंने दो बिंदु उठाए कि जो महिलाएं उनके लिए दो मोर्चों पर उनको लड़ना पड़ता है, खासतौर से जो वर्किंग वीमेन है कुछ भी छोटा सा भी काम कर रही है तो उसको बाहर भी लड़ना है, लेकिन उसके साथ उसको जो घर की जिम्मेदारियां हैं उनसे स्पेयर बिल्कुल नहीं मिलता है, उसको पूरा घर भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, गेस्ट को भी देखना है और बाहर जहां पे वो काम कर रही है वहां पर
और भी उससे एकदम परफेक्शनिस्ट हो, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसमें अब इसमें भी चेंज आ रहा है, लोग अब जो भी वर्किंग कपल्स हैं वो लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, लेकिन अभी भी बहुत उस पर काम करने की बहुत जरूरत है। मैम, अगर इसी तरह मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर हम इस बात को, जैसे सभी लोग ये सवाल उठाते हैं कि महिलाएं घरों का भी देखती हैं, बाहर का भी देखती हैं, अगर वो वर्किंग है तो उनको तब भी घर भी संभालने और बाहर भी संभालने, तो इससे आप क्या मानते हैं कि ये इसको किस तरीके से लेते हैं? क्या आपको ये लगता है कि महिलाएं इससे और ज्यादा ताकतवर है, इससे कहीं ना कहीं उनकी ज्यादा ताकत का पता नहीं चलता है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, इससे महिला की ज्यादा ताकत का पता लगता है कि वो बाहर अपनी करियर को भी बहुत अच्छे से मैनेज कर रही है और साथ ही वो घर में भी बहुत अच्छा अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं महिला परिवार का आधार होती है। महिला यदि सशक्त है, यदि शिक्षित है, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है, तो निश्चित तौर पर वो अपने पूरे परिवार का भी बहुत अच्छे से ध्यान रख सकती है, और यदि वो स्वावलंबी है, स्वाभिमानी है, तो वो करियर के साथ साथ घर को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती है और कहीं ना कहीं अपने हर रोल को बहुत अच्छे से अदा कर सकती है, चाहे वो बेटी का रोल हो, माँ का रोल हो, पत्नी का रोल हो, बहू का रोल हो, सभी में बहुत अच्छे से निपुणता उसमें है और कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छा बैलेंस बना करके काम करने का प्रयास भी कर रही है और उसमें सफल। तो मैम, आपसे मेरा ये सवाल है कि आप भी इतने समय से काम कर रही हैं, आपको क्या लगता है महिलाओं की शिक्षा को लेकर के, जैसे पहले बहुत अच्छी शिक्षा नहीं दी जाती थी, अगर आपने शिक्षा को लेकर बात की तो उसको हम लोग कैसे बदल सकते हैं और कैसे बदलाव लाए जा सकते हैं और क्या करना चाहिए, आपका क्या मानना है? के लिए अभी चूंकि सबसे बड़ी चीज है कि हमारा कंट्री जो है वो बहुत बड़ा कंट्री है और ये कि हमारे देश में जो आर्थिक असमानता है वो भी बहुत ज्यादा है, तो जो लोग फाइनेंशियली वो हैं, पेरेंट्स जागरूक हैं, उनके लिए समस्या नहीं है, वो लोग अब अपने बच्चों को, बेटा बेटी को समान का ही अधिकार देते हैं, अपनी बेटियों को पूरी कोशिश करते हैं, इनफैक्ट बहुत सी फैमिलीज तो ऐसी हैं हमारे जैसी जहाँ पर लोग बेटियों को नंबर वन रखते हैं और बेटे को नंबर टू पे रखते हैं, रखने से मतलब है कि बेटी का होना ही वो किया जाता है, बराबर रखना चाहिए, बराबर रखते हैं, बराबर रखना चाहिए, बराबर रखते हैं, और किसी को ज्यादा नहीं। जो लोग अब जो लोग पढ़े लिखे हैं, समाज है जो हम जिसको सो कॉल्ड बोल सकते हैं समाज का एफ्लुएंट क्लास है, लेकिन हमारे यहाँ जो है मिडिल लेवल है या जो लोअर क्लास है उसमें अभी भी बहुत काम करने की जरूरत है, क्योंकि उनके सामने यदि माँ बाप पढ़ाना नहीं चाहते हैं तो उनके सामने आर्थिक चैलेंज बहुत, हम लोग आज देखेंगे कोई भी यदि कोई प्रोफेशनल कोर्स है, कोई भी छोटा मोटा कोर्स है, उसकी फीस भी लाखों में होती है, तो कई बार पेरेंट्स चाहकर भी कि बच्चा उनका पढ़ने में अच्छा है, बच्ची पढ़ने में अच्छी है, हमारे यहाँ कई काफी सर्वेंट है ऐसे काम करते हैं, हम लोग बात करते हैं कि भाई तुम्हारी बहन तुम क्या कर रही है बहने, तो भाई हमने मैडम बहुत खींच तान के उसको हाई स्कूल इंटर को, एक आध को मैंने बोला कि नहीं ये तुम्हारी पढ़ने में अच्छी है तो हम उसको सपोर्ट करेंगे, तो यदि कोई वाकई में पढ़ने में अच्छा है तो उसको सपोर्ट करने की जरूरत है, तो ग्रास रूट लेवल पर क्योंकि हमारा कंट्री बहुत बड़ा है, ग्रास रूट लेवल पर ये देखने की जरूरत है कि जो बच्चियां प्रेजेंट गवर्नमेंट कर भी रही है काफी, उसमें स्कॉलरशिप वगैरह भी दी जाती है, लेकिन अभी भी उसमें बहुत काम करने की जरूरत है, क्योंकि उसमें बहुत बच्चियां, जैसा मैं लोगों से, क्योंकि हम लोग भी हमारा भी इतना गांव है, हम लोग जाते हैं इंटरेक्ट करते हैं, हमारे यहाँ जो लोग काम करते हैं वो लोग भी डायरेक्टली विलेज बैकग्राउंड से आते हैं, तो हम लोग उनसे पूछते हैं तो पता चलता है कि बहुत बच्चियां ऐसी हैं जो पढ़ने में अच्छी हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन आर्थिक असर, उनके पेरेंट्स भी उनको पढ़ाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है, लोगों में अब बहुत जागरूकता आई है, जब से आईटी का सेक्टर है तो टीवी हर आदमी देख रहा है, मोबाइल चला रहा है, तो इसलिए ये तो एक बहुत बड़ा हमारे देश में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है कि आईटी सेक्टर है, टीवी अब गांव में भी छोटा सा भी है, बड़ा भी तो छोटा सा लगाए हुए हैं, मोबाइल भी लिए हुए हैं, वो चीजों से जुड़ा हुआ है, उनकी इंपॉर्टेंस को समझ रहा है, लेकिन उसके सामने बिग चैलेंज है कि वो आर्थिक रूप से इतना टूटा हुआ है कि वो चाहकर भी एक लेवल के बाद अपनी बच्चियों को सपोर्ट नहीं कर पा रहा, तो इस पर मैं हमारी जो गवर्नमेंट है उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगी कि हमें ये सोचना चाहिए, कोई ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि जो पढ़ने में
बच्चियां अच्छी हैं तो आर्थिक उसके कारण से उनकी पढ़ाई बीच में न रुके और जो उनके सपने हैं वो टूटे ना। सबरा जी, एक सवाल मैं यहां से लेना चाहूंगा, खासतौर से हमारे गेस्ट के बीच में। मैडम आपसे, क्योंकि आप दो विशिष्ट अतिथि मौजूद हैं यहाँ पे और उन्होंने भी बात रखी, तो इस प्रकार का सवाल आप पूछना उनसे चाहें तो। आपकी बातें मतलब बहुत अच्छे से डीपली दिमाग में जा रही है, बहुत समझ में आ रही है कि मतलब आप बेसिक चीजें बता रही हैं जो इस समय समाज में हो रहा है। तो मतलब ये बात तो सही है कि मतलब घर से ही सब चीजें आपको सीखना है। दूसरी चीज ये कि आज का समाज में काफी चेंजेस है, जैसे हम लोग की घरों में ही हम लोग देख रहे हैं जो काम करने वाले हैं उनको ये पता चल गया कि हम उन्हें एजुकेट करेंगे तभी हम सर्वाइव कर पाएंगे। पहले वो स्कूल नहीं भेजते थे और वो कह रहे डू एंड डाई किसी तरह भी बच्चों को एजुकेट करेंगे। तो आजकल की महिलाएं बच्चों को, चाहे उनके तीन या चार बच्चों, चारों को पढ़ा रही हैं। तो मतलब ये जो आजकल परिवर्तन हुआ है तो ये बात से तो एग्री कर रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है, बहुत बड़ा परिवर्तन है कि अब हर घर में हो रहा है। ये हम लोग का जो आईटी सेक्टर है और जो मतलब का टीवी जो हमारे देश में क्रांति आई है, दूरसंचार क्रांति आई है, ये उसी का परिणाम है कि अब वो उसकी इम्पोर्टेंस को समझ रहा है। बस उसके सामने आर्थिक मोर्चे पर वो कमजोर पड़ जाता है, तो हमारी गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है। लेकिन आगे और भी हम लोग की ये है कि इसमें यदि हम उनको सपोर्ट मिले तो और अच्छा होगा। सप्ता जी, मैडम अरोड़ा के साथ आप एक लास्ट सवाल लेकर के फिर आप माइंड करें। आपसे एक और सवाल मेरा है, आप एक पुलिस ऑफिसर की वाइफ हैं, तो सबसे बड़ा सवाल जो उठता है सुरक्षा पे उठता है, कैसे लिखते हैं आप महिला सुरक्षा के बारे में, क्या देखते हैं? चूंकि मैं एक पुलिस अधिकारी की पत्नी हूँ तो मुझे उसके अलावा मैं एक महिला हूँ, तो मुझे लगता है कि महिला का सुरक्षित रहना बहुत अधिक जरूरी है। क्योंकि जब महिला सुरक्षित होती है, निर्भय होती है, निडर होती है, तभी वो अपने कार्य क्षेत्र में भी अच्छा प्रदर्शन कर पाती है और अपने घर पे भी अच्छा प्रदर्शन कर पाती है। यदि वो डरी सहमी रहती है तो उसकी प्रतिभा कहीं ना कहीं दब जाती है। तो इसके लिए पुलिस भी बहुत अच्छा काम कर रही है, उत्तर प्रदेश पुलिस भी, और साथ ही सरकार भी बहुत अच्छे कदम उठा रही है महिला सुरक्षा को लेकर के। और वर्तमान समय में हम लोग देखते भी हैं कि महिला जितनी आज सुरक्षित है उतनी शायद कुछ सालों पहले तक नहीं सुरक्षित थी। आज सभी लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं और इससे महिला की कार्य क्षमता में बहुत अधिक फर्क आया है और सभी क्षेत्रों में वो बहुत अच्छा प्रदर्शन है। महिला सशक्तिकरण को लेकर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? महिला सशक्तिकरण को लेकर मैं ये कहूंगी कि हमें पुरुषों से लड़ाई नहीं लड़नी है, सहयोग करना। हम लोग साइकिल के दो पहिए की तरह हैं, मिलकर के रहना है और साथ साथ ही चलना है। हमें अधिकार दिए गए हैं, हमें उन अधिकारों का उपयोग करना है, उसके लिए जागरूक रहना है, लेकिन अपने कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक रहना है। हमें अपने स्वधर्म का पालन करना बहुत अधिक जरूरी है। हमें अपने सब रोल को, चाहे वो करियर में बॉस का रोल हो या एम्प्लॉय का रोल हो, माँ का रोल हो, बहन का रोल हो, पत्नी का रोल हो, सभी रोल को, सभी अपने धर्मों का निर्वहन बहुत अच्छे से करना है। और गीता भी यही कहती है कि जब हम अपने स्वधर्म का निर्वहन करते हैं तभी हम पीस को पा सकते हैं, तभी हम शांति को पा सकते हैं। लेकिन हम लोग आजकल एक दूसरे से लड़ाई के दौड़ में, आगे बढ़ने की होड़ में अपनी शांति को खो दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें पुरुषों के साथ चलने का प्रयास करना है, क्योंकि हम लोग महिला पुरुष शिव भी जो है अर्ध नारीश्वर है, शिव शक्ति का मिलन जरूरी है, तभी सृष्टि चल सकती है। और मेरा सभी महिलाओं से यही अनुरोध है कि अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों पे भी जरूर ध्यान दें और अपने स्वधर्म का पालन करें। धन्यवाद। थैंक यू मैम, बहुत ही अच्छा, बहुत खूबसूरत मैसेज दिया आपने और ये बहुत जरूरी है। आपने बिल्कुल सही कहा, हम इस लड़ाई में लड़ रहे हैं कि हमें आगे जाना है, हमें आगे जाना है, हमें आगे नहीं, हमें साथ साथ चलना है।